सो हमारे पास यहाँ पर आ गई है डिस्कवर 100cc जो होने वाली है हाइब्रिड में कन्वर्ट। तो इसकी हालत आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसी है। सो हमने यहाँ पर इसके सीट साइड पैनल्स ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम इसका साइलेंसर निकालने वाले हैं, उसके बाद इसका व्हील निकालेंगे और यह हमारी मोटर भी तैयार हो रही है, इस मोटर को फिट करेंगे यहाँ पर। सो ओवरऑल आप कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की। सो यहाँ पे हमने हमारा व्हील निकाल लिया है, ये उसका व्हील रहा और साइलेंसर भी हम रिमूव कर चुके हैं यहाँ से। यहाँ से हमें साइलेंसर को भी निकाल लेना है और अब हम निकालने वाले हैं स्प्रॉकेट को। सो यहां पर हमने स्प्रॉकेट निकाल लिया है। इस स्प्रॉकेट को हमने इस पहिए से निकाला हुआ है, इस व्हील से। सो अब हम इस स्प्रॉकेट पर मोटर फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी गाड़ी को खोल दिया है। यहाँ पे हमने टैंक, सीट, स्विंग आर्म, हमारा जो रिम था वो निकाल दिया है, सारी चीजों को निकाल दिया अब हमने। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वायरिंग का काम देखने वाले हैं, इसके अलावा हाइब्रिड का जो थ्रॉटल हमें डिजाइन करना है वो करेंगे। उसके बाद इस स्प्रॉकेट को, यहाँ पर हमारी मोटर तैयार है, इस मोटर के ऊपर फिट करेंगे और लगा करके चेक करेंगे। यहाँ स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होने हैं, तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्विंग आर्म को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे हमारा नॉर्मल 10 इंच वाला हब मोटर लग सके। सो यहाँ हम आगे बढ़ चुके हैं कन्वर्जन में, हमारा मोटर लग चुका है, बहुत बढ़िया फिटिंग आया है मोटर का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी से फिटिंग हो चुकी है, ब्रेक्स लग चुके हैं, स्विंग आर्म की असेंबली हो गई है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया है, कंट्रोलर की फिटिंग हो चुकी है। अभी इग्निशन और डिस्प्ले भी लग जाएंगे यहाँ पर, फिटिंग हो जाएगी। तो थ्रॉटल हमारा लग चुका है, फॉरवर्ड रिवर्स विद 3 स्पीड मोड्स, ये हमारी कंप्लीट वायरिंग है। यहाँ पर हमने डीसी कन्वर्टर को रखा है, ये चार्जिंग सॉकेट के लिए वायर है। ये अभी फॉरवर्ड रिवर्स और 3 स्पीड मोड्स की जो वायरिंग है वो होने वाली है। जंक्शन बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो वायर जा रहा है ये बॉडी में नेगेटिव होगा जो कि न्यूट्रल ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कवर 100cc कन्वर्जन के लिए जो आई थी हाइब्रिड का, उसका कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। सो ओवरऑल जो मोटर का फिटिंग है कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर स्प्रॉकेट लगा हुआ है, बैटरी कंपार्टमेंट के लिए हमने यहाँ पर बैटरी का बॉक्स लगाया हुआ है, जो 60 वोल्ट्स का बैटरी लगा हुआ है, 24 एम्पियर का लिथियम फॉस्फेट बैटरी। बैटरी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पर लॉक सिस्टम भी लगाया ताकि कोई बैटरी को निकाल ना सके। इग्निशन के लिए यहाँ पर 2 इग्निशन है हमारे पास, एक पेट्रोल इग्निशन है और एक इलेक्ट्रिक का। तो अभी हम पेट्रोल इग्निशन को ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर पेट्रोल चालू हो गई हमारी, अब हम इसको इलेक्ट्रिक पर देखेंगे और यहाँ पर एक LED को देखेंगे। LED है जो हमें ये बता रही है कि गाड़ी अभी कौन से मोड में है। सो अभी LED ऑफ है, इसका मतलब गाड़ी अभी पेट्रोल मोड में है। अब हम इसे इलेक्ट्रिक मोड में स्विच करते हैं। तो आपको पहले वाले स्विच को ऑफ कर देना है और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपका जो रेड LED है इंडिकेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमें बैटरी का पावर पता चल जाएगा। सो अब हम गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। सो ये हमारी जो मोटर है चल पड़ी। अब हम इसे रिवर्स मोड में ट्राई करेंगे। सो ये हमारी रिवर्स मोड में भी जो है गाड़ी चल रही है। तो कुछ इस तरह का लुक हमारे पास आ रहा है बैटरी का। चार्जिंग सॉकेट हमने राइट वाले पैनल में दिया हुआ है, 3 पिन का सॉकेट लगा हुआ है यहां पर, इसको चार्ज कर सकते हैं।
सो यहाँ पर हमारा डिस्कवर का हाइब्रिड कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ हमारे इग्निशन, डिस्प्ले, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी सभी कुछ लग चुका है। सो यहाँ पर हमने इस गाड़ी का रोड ट्रायल भी लिया हुआ है। अपकमिंग वीडियो में हम आपको इसको रोड पर चला करके भी दिखाने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के बाद ये गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस देती है। सो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।